देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। आज मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पुराणों में महाशिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आज महाशिवरात्रि और मंदिरों में, शिव मंदिरों में ज्यादा तैयारियां, यहां पर जहां सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं, भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जलाभिषेक किया जा रहा है, विशेष पूजा अर्चना आज के दिन भगवान शिव की जा रही है। तो देश भर के ऐसे तमाम मंदिर जहां पर इस समय आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, भक्तिमय वातावरण वहां का, और हर जगह हर हर महादेव की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। तो दिन बेहद खास है शुभ भक्तों के लिए, जहां महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज भक्त सुबह से ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, हवन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, और ऐसे में अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो हर हर महादेव की गूंज, हर ओर भक्तिमय वातावरण, और शिव परिवार की पूजा जुरान की जा रही है। देश के तमाम मंदिरों में इस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है। और वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राजू, आज बेहद एक खास दिन है, और अगर वाराणसी की बात करें तो शिव का वो स्थान है वहां पर फिलहाल किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं हमेशा से ही, लेकिन आज के दिन की महत्वता को जानते हुए आज का नजारा क्या और किस तरह से कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं? महाशिवरात्रि का पर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग काशी में, काशी को धर्म की राजधानी भी कहा जाता है, और इस धर्म की राजधानी में कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान होते हैं, काशी में कहा जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये लंबी लाइन लगभग 2 किलोमीटर की ये लंबी लाइन हो गई है शिव भक्तों की, जो आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करना चाहते हैं, बाबा की एक झलक पाना चाहते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर कहीं बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हवाई सेवाओं से लेकर जमीन से लेकर गंगा तक में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कराई गई कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा भीड़ होने पर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा कि ताकि निगरानी रखा जा सके चप्पे चप्पे की। ऐसे में अगर बात करें तो आज पूरे शिव मंदिरों में काशी के अलग अलग स्थानों पर पूरी तरीके से जहां शिव बारात निकाली जाएगी तो वहीं जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु आज के दिन काशी में आए हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बेसब्री से आज का दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो भगवान शंकर के विवाह का दिन है, इसलिए भगवान शंकर के विवाह में रात्रि को चलने के लिए काशी में कुछ लोग आते हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शिव बारात निकलेगी, जिसका हर कोई बिल्कुल, यानी कि मंदिर समिति की तरफ से तमाम वो तैयारियां की गई है जो आज के दिन को कहीं ना कहीं विशेष बनाती है। अद्भुत संयोग भी इस बार बताया जा रहा है, और इसके लिए जो भक्त हैं वो कोशिश में है कि भगवान शिव कैसे न कैसे करके उनसे प्रसन्न हो जाए और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। आदित्य द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आदित्य, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां, वहां पर किस तरह से जो श्रद्धा का सैलाब है वहां पर उमड़ पड़ा है? देखिए ऋतु, ये दिन खास है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। आप जो बुलेटिन की शुरुआत कर रही हैं वो भगवान शिव की आरती के साथ कर रही हैं, और अभी तक आपने तमाम बार नाम लिया भगवान शिव का। और हमारे लिए भी खास है कि आज सुबह हमारी जो नींद खुली वो बहुत जल्दी, क्योंकि सुबह मुझे मॉर्निंग में लाइव करना था, और इस वक्त हम हैं गोमती किनारे स्थित मन कामेश्वर मंदिर में, जहाँ भक्तिमय माहौल है पूरी तरह से। अब हम कैमरामैन से दिखाएंगे कि सामने का वो दृश्य दिखाएं जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, चारों ओर भक्त ही है, सैलाब उमड़ा हुआ है,
गोमती नदी की अगर हम बात करें तो अब लगभग 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग चुकी है। सुबह जब हम 6 बजे यहाँ पर आए थे तो ये लाइन 1 किलोमीटर से ऊपर बढ़ चुकी थी। सुबह से ही शंखनाद, घंटा घड़ियाल, ये सब कानों को इतना सुकून दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम भक्ति के सागर में बहे जा रहे हैं। और ये भक्ति में माहौल बड़ा सौभाग्य से मिलता है, शिवरात्रि के दिन ही ये मिल पाता है या सावन के सोमवारों में मिलता है। साल में एक बार शिवरात्रि होती है जो आज हम लोगों को देखने को मिल रही है। जी ऋतु, बिल्कुल। और फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसको काफ़ी महत्व यहाँ पर दिया जाता है। हालांकि हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ये दिन जो है महत्व रखता है, लेकिन फागुन मास की जो एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो अपने आप में महत्व रखती है। और इसी के लिए देख सकते हैं कि जो भक्तों का सैलाब है वो किस तरह से वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर कुछ आदित्य लोगों से बातचीत हो पाए, हालांकि समय नहीं मिलता है क्योंकि ये श्रद्धा है और इस वक्त बस भगवान की आराधना के लिए हम वक्त निकाल पाते हैं, मुमकिन हो पाए तो कुछ लोगों से बातचीत करिएगा वहां पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ की जो महंत है, हम मंदिर की इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम भक्तों से बात करते हैं। जो यहाँ की महंत है दिव्या गिरी, वो हमारे साथ हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का महत्व क्या है, क्यों कुछ खास है ये मंदिर की आज यहाँ पर 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है जो कि लगातार बढ़ती जा रही, दिन में इसके और बढ़ने के चांसेस हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है, क्या महत्व रखता है ये मंदिर। आदि गंगा गोमती के तट पे स्थित मनकामेश्वर मंदिर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे आपको अपनी इच्छाओं को बोलना ना पड़े। जैसे ही आप गर्भगृह के अंदर इंटर होते हैं, पहले तो इतनी भीड़ की वजह से आप भूल जाते हैं कि आपको बोलना क्या है, परंतु जो मन में इच्छा है वो मतलब बोल के नहीं पूरी होती है। आप यहाँ पे आरती में उपस्थित होते हैं शाम में या सुबह में, और अगर उन इच्छाओं को रखते हैं तो अवश्य ही पूर्ण होती है, ऐसा इस स्थल और इस मंदिर की मान्यता है। जैसा ऋतु बताया इन्होंने अभी महंत ने कि यहाँ पर आप अगर मन में भी कुछ सोच लेते हैं तो वही कामना आपकी पूर्ण हो जाती है, इसलिए इसको मन कामेश्वर मंदिर कहा गया है। ये कितना पुराना मंदिर है और यहाँ कब से इस तरह से भक्ति का सैलाब उमड़ता रहता है? जी, पौराणिक मान्यता ये है कि जब लक्ष्मण जी माता सीता को छोड़ के वनवास जा रहे थे तो वो लक्ष्मण टीले पे रात्रि विश्राम उन्होंने किया है और भोर में यहाँ पे दर्शन पूजन और अर्चन किया है, उसके बाद में फिर वो अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। तो उनके द्वारा पूजित है ये शिवलिंग और 200 वर्ष की परंपरा यहाँ पे संतों की है, हम 6ठी पीढ़ी पे हैं, तो 200 वर्ष से ये संत इसकी देख रेख करते हैं। देखिए, जैसा महंत दिव्या गिरी ने बताया कि लक्ष्मण द्वारा ये स्थापित शिवलिंग है, जब वो माँ सीता को वनवास के लिए छोड़ने गए थे बिठूर किनारे, कानपुर किनारे बिठूर घाट था जहाँ ऋषि वाल्मीकि रहते थे, वापसी कर रहे थे तो बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने यहाँ पर स्थापना की हुई थी भगवान शिव की, तो उनकी मन को कुछ शांति मिली थी, तभी से इसका नाम मन कामेश्वर रखा गया। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनके लिए मायने रखता है ये मंदिर। आप सुनना चाहेंगे, आप यहाँ पर अक्सर आते हैं, आज ही के दिन आते हैं? नहीं, हमेशा आता हूँ मैं, तो मतलब हर डेली नहीं आता हूँ, लेकिन शिवरात्रि में तो हर बार ही आता हूँ, और पूर्णमासी होती है तो भी आता हूँ, मतलब महीने में एक चक्कर तो बाबा के दरबार में हो ही आते हैं। जब भी समय मिलता है तो चक्कर लगाते हैं और यहाँ भक्त हमेशा अक्सर आते रहते हैं, और खास तौर पे आज के दिन शिवरात्रि का दिन है, उसमें तो उन्हें आना ही है, कुछ इस तरह के संबंध बना रखे हैं मन कामेश्वर मंदिर से। बिल्कुल आदित्य, फिर से लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। राजू श्रीवास्तव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजू, मुमकिन हो पाए तो आप भी वहां पर लोगों से बातचीत करिए, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं और उस दिन की महत्वता को समझते हुए तो ज्यादा यहाँ पर भीड़ लग जाती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बाबा के स्पर्श जो दर्शन होते हैं, जो आशीर्वाद लेने की इच्छा जो होती है, वो इस बार भक्तों की पूरी नहीं हो पाएगी, तो क्या इसको लेकर भक्तों में थोड़ी बहुत मायूसी भी देखने को मिल रही है? देखिए, जो दूर दराज से भक्त आते हैं, यूं कह लें कि भगवान शंकर के प्रति आस्था रखने वाले पूरी दुनिया से लोग जो है वो आज के दिन काशी में होते हैं, क्योंकि काशी के दिन में, आज के दिन में काशी में एक अलग महत्व होता है, क्योंकि भगवान शंकर का आज विवाह भी होता है और यहाँ जो शिव बारात निकलती है वो भी काफी अद्भुत होती है। ऐसे में अगर बात करें तो लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं, तो जिसको देखते हुए मंदिर प्रांगण में
भाव विश्वनाथ को स्पर्श करना आज के दिन संभव नहीं है। यही वजह है कि चार जो मुख्य द्वार हैं, सभी द्वारों से आज भाव विश्वनाथ को जलाभिषेक का मौका लोगों को मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है। उनकी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो प्रधान ज्योतिर्लिंग भाव विश्वनाथ को कहा जाता है, उनके आज दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उनको स्पर्श करने का मौका नहीं मिल रहा है। सभी जो VIP जो आज के दिन भाव विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकना चाहते हैं, उनको स्पर्श करना चाहते हैं, उस पर पूरी तरह बिल्कुल बिल्कुल। राजू एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आदित्य का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आदित्य, आप वहां पर लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि महीने में कोशिश ये रहती है कि वक्त महीने में एक बार बाबा के दर्शन तो वहां पर कर ही लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ये हम जानना चाहेंगे मंदिर समिति की तरफ से खास महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां की गई है, किस तरह से साजो सज्जा की गई है। जैसा कि आप बता रहे थे मनकामेश्वर मंदिर में आप बैठे हैं, मन में जो भी यहाँ पर मनोकामनाएं होती है वो बाबा को पता चल जाती है और पूरी हो जाती है। ऐसे में कोशिश रहेगी कि हम आपके जरिए दर्शकों को ये मंदिर दिखा पाए और बाबा से वो भी अपनी मनोकामना कुछ रख पाए। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं एक बार फिर से महंत दिव्या गिरी जी से कि क्या कुछ खास आयोजन होते हैं आज के अवसर पर। शिवरात्रि साल में एक बार आती है, तो मंदिर समिति जो यहाँ का ट्रस्ट है जिसकी आप सर्वे सर्वा हैं, तो क्या तैयारियां करती हैं? देखिए, वैसे तो ये हम लोगों का वार्षिक महोत्सव होता है, परंतु लखनऊ का ज्योतिर्लिंग होने के कारण इतनी अधिक यहाँ पे संख्या होती है कि हम लोग चाह के भी, क्योंकि मंदिर का परिसर बहुत ही सीमित एरिया में है, चाह के हम लोग बड़े आज के दिन प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये करते हैं आज के दिन कि जो अंदर से हम लोगों का दुग्ध चढ़ा हुआ होता है अभिषेक के तौर पे, तो हम लोग उसको वितरित कराने के लिए एज ए उसको प्रसाद लेते हैं, बनाते हैं और जो भक्त आ रहे होते हैं उनको उसमें उसका वितरण कर दिया जाता है। परंतु हम लोगों ने अभी परसों यहाँ से शिव बारात निकाली थी, तो उसको भी 2 दिन पहले इसीलिए इसका आयोजन रखना पड़ा, क्योंकि सारा बैरिकेड हो जाता है और आसपास भी सारा जाम ना लगने पाए, तो उसकी वजह से हम लोग आज कोई बड़े आयोजन को नहीं करते हैं। जितने आयोजन हैं हाँ, 1 या 2 दिन हम लोग कर लेते हैं। और शिव बारात निकली थी जो पूरे एरिए में निकाल के फिर हम लोग जैसे एक सामान्य विवाह होता है जो उसकी रस्में होती हैं वो हम लोग ने पूर्ण करी। देखिए, भक्तों को किसी तरह की तकलीफ ना हो ऋतु, इसको लेकर के यहाँ मंदिर की जो समिति है, जो ट्रस्ट है, वो पहले से 2 दिन पहले से ही आयोजन शुरू कर देता है, जिसमें एक शिव बारात भी निकाली जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी कराया जाता है, और आज के दिन भक्तों के लिए मंदिर रखा जाता है कि आज भक्त किसी भी तरह से निराश ना हो, उनको कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह से कोई समस्या ना आए, इसलिए लगातार सिर्फ और सिर्फ भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर को छोड़ा रखा जाता है और 2 दिन पहले से कार्यक्रम होते शुरू कर दिया जाता है। चलिए फिर से लौटेंगे आदित्य आपके पास। मुनव्वर चौहान इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ गए हैं। मुनव्वर, आप बताइए मेरठ में किस तरह की तैयारी और किस तरह का आस्था का सैलाब वहाँ पर देखने को मिल रहा है? बाबा उदास मंदिर है, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ से इसका नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आज 2 लाख श्रद्धालुओं को पहुँचना था, जलाभिषेक करना था, लेकिन रात से हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं जो श्रद्धा थी उसमें दिक्कत करने की कोशिश की। हालांकि अब जो श्रद्धालु हैं पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं बाबा अकुलनाथ मंदिर पर हूं, मेरे साथ तमाम श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। हालांकि यहां की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां ड्रोन कैमरे की मदद से भी नजर रखी जा रही है, तमाम CCTV लगाए जाते हैं और उसका एक वॉच रूम बनाया जाता है। और यहां पर SP City को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि SP Crime को लगाया गया है। 6 इंस्पेक्टर हैं और 40 सब इंस्पेक्टर हैं और तमाम पुलिस कर्मी हैं। इसके अलावा एक PSC की कंपनी लगाई गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रखे जाते हैं। चूंकि कैंट इलाके में पड़ता है तो यहाँ पर सेना की भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अब इस वक्त अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो चूंकि बारिश का मौसम था और बारिश के चलते जो श्रद्धालु थे वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब आना शुरू हो गया है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मेरे साथ। यानी कि जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा उसके साथ ही भक्तों का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर मंदिरों में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुनव्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, के साथ ही राजू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था का सैलाब आज उमड़ा है और भक्त यहाँ पर ललायत हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और विशेष पूजा अर्चना का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है।